एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल, इट्स मी निदा। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ईद मेकअप लुक, और ये मेरा ईद का सेकंड मेकअप लुक है। एक और वीडियो मैं शेयर कर चुकी हूँ ईद मेकअप लुक की, आप लोगों को वो लुक बहुत पसंद आया था एंड आई रियली होप आप लोगों को ये लुक भी पसंद आएगा। ये वाला थोड़ा सा मैंने डार्क और हैवी रखा है और एक पिंक बेस पे रखा है, तो पिंक लड़कियों का फेवरेट होता है, इस वजह से मैंने पिंक कलर चूज़ किया एंड आई रियली होप आप लोगों को ये लुक पसंद आ रहा होगा। मैंने इसे एक बोल्ड विंग लाइनर के साथ किया है, अगर आप चाहो तो लाइनर को स्किप भी कर सकते हो। मेकअप में कोई रूल्स नहीं होते, आपको जैसा पसंद है आप वैसा कर सकते हो एंड आई रियली होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे एंड हेल्पफुल हो तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरा चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, नोटिफिकेशन बेल आइकन हिट कर दें ताकि आपसे मेरी वीडियोज़ मिस ना हो, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा कि आपको ये लुक कैसा लग रहा है। सो लेट्स मूव ऑन विद द वीडियो। सबसे पहले मैं आईब्रोज़ को फिल करूँगी, तो इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, आपको बस सिंपली अपनी आईब्रोज़ को फिल कर लेना है जैसे मैं हर वीडियो में अपनी बताती हूँ। फिर मैंने लिया है वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर और इसकी हेल्प से मैं अपनी आईब्रोज़ को नीट कर लूँगी अच्छे से, और जो भी हार्श एजेस है उसे भी क्लीन कर दूँगी। सब कुछ ब्लेंड कर दिया है मैंने और सेट भी कर दिया है। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ हुदा ब्यूटी का पैलेट और उसमें से लूँगी ये लाइट ब्राउन शेड और उससे अपनी क्रीज में बफ करूँगी। फिर मैंने सेम पैलेट में से लिया है ये डार्क ब्राउन शेड और उसके जस्ट बगल में जो पिंक शिमर है उसके बाद मैं उसे ऑल ओवर लिड पे भी अप्लाई करूँगी। तो मैं पहले इसे अच्छे से आउटर वी को इंटेंसिफाई कर दूँगी डार्क ब्राउन शेड से। जो ब्राउन शेड के पास एक पिंक शेड था उसे मैं अप्लाई करूँगी ऑल ओवर लिड पे अच्छे से। उसके बाद मैं ले रही हूँ ये डार्क वाला पिंक शेड और उसे मैं आउटर वी पर और इनर वी पर अप्लाई करूँगी एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से। सेम पैलेट में से मैंने लिया है गोल्डन ग्लिटर वाला शेड और उसे मैं हल्का हल्का आईलेट पे पैट कर रही हूँ। उसके बाद जो भी हार्श लाइन और एजेस क्रिएट हुए हैं उसे मैं ब्लेंड कर दूँगी अच्छे से, और उसके बाद मैं सेम शेड्स को अपने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूँगी जो भी मैंने क्रीज लाइन में यूज़ किए थे। अब नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन कलोसल का काजल और उससे मैं एक थिक काजल अप्लाई करूँगी, और सेम काजल को मैं अपनी अपर लैश लाइन और लोअर लैश लाइन पर भी अप्लाई कर दूंगी और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी एक स्मोकी इफ़ेक्ट के लिए। डार्क पिंक शेड को मैं अपने इनर वी और आउटर वी पे लोअर लैश लाइन पर भी अप्लाई कर रही हूँ। सेम गोल्डन ग्लिटर शेड से इनर कॉर्नर्स एंड ब्रॉ बोन्स को भी हाईलाइट कर दूंगी। उसके बाद ले रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का आईलाइनर और यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगी एक बोल्ड विंग आईलाइनर। बाद मैंने लैशेस को कर्ल किया है और अप्लाई कर रही हूँ मस्कारा, और यहाँ पे मैंने मेबलिन का मस्कारा यूज़ किया है। उसके बाद मैं वेयर कर रही हूँ फॉल्स आईलैशेस, आप चाहो तो इस लुक को ऐसे भी कंप्लीट कर सकते हो।
तो हेयर इज़ माई फाइनल फिनिश लुक एंड आई रियली होप आप लोगों को ये लुक ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगी एंड हेल्पफुल हो तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरा चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, नोटिफिकेशन बेल आइकन हिट कर दें ताकि आपसे मेरी वीडियोस मिस ना हो। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एंड आई रियली होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू गाइस। सी यू इन माई नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, बाय, बी हैप्पी।